तो फाइनली सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म को रिलीज कर दिया गया है कल यानी 5 तारीख को ईद पर। पवन सिंह की फिल्म मैंने उनको सुजन चुनलिया को रिलीज कर दिया गया है और अपने आप में काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहा है। यूपी बिहार और झारखंड में काफ़ी अच्छा कलेक्शन आ रहा है इस फिल्म का और लगभग पहले दिन लगभग 2 करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कमाया था और आज है दूसरे दिन भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी गई है और अपने आप में काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो रहा है इस फिल्म का। वहीं दूसरी तरफ सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म कूली नंबर 1 को रिलीज़ किया गया है और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस फिल्म को देखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है इस फिल्म को देखने के लिए। अपने आप में अपनी अपनी जगह पर एक तरह से सुपरहिट दोनों ही फिल्में हैं और काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह 2 कदम आगे हैं कलेक्शन के मामले में। जी हाँ, आप सभी को हम जानकारी के लिए बता दें कि पहले दिन लगभग 2 करोड़ रुपये पवन सिंह की फिल्म मैंने उनको सुजन चुनलिया ने कमाया था और वही पहले दिन का जो कलेक्शन है खेसारी लाल यादव कूली नंबर 1 फिल्म का उनका लगभग 70 से 80 लाख रुपये पहले दिन का कलेक्शन रहा, यानी कहीं ना कहीं पवन सिंह 2 कदम आगे निकले कलेक्शन के मामले में। साथ ही आप सभी को हम जानकारी के लिए बता दें कि सलमान खान की फिल्म भारत को भी ईद पर रिलीज किया गया था और वैसे तो वर्ल्ड वाइड पर काफ़ी बड़ा कलेक्शन रहा भारत का, लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को हम बता दें कि बिहार के अंदर भारत फिल्म को एक तरह से टक्कर देती हुई नजर आ रही है पवन सिंह की फिल्म। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आप सभी को हम बता दें पवन सिंह की फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया का आज दूसरे दिन का क्या है कलेक्शन। जी हाँ, पहले दिन तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपये के आसपास इस फिल्म ने पैसा कमाया था, लेकिन दूसरे दिन आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो इतनी देखी गई और आज यानी दूसरे दिन लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास इस फिल्म ने पैसा कमाया है। जी हाँ, लगभग दूसरे दिन 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास इस फिल्म ने पैसा कमाया है, यानी लगभग 2 दिन में 3 करोड़ रुपए के आसपास मैंने उनको सजन चुनलिया फिल्म ने पैसा कमा लिया है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जो इसकी जो बजट है वो लगभग 3 करोड़ रुपये बताई जा रही थी, जो कहीं ना कहीं इस फिल्म की लागत जो है निकलती हुई नज़र आ रही है। तो 2 दिन में इस फिल्म ने अपनी लागत निकाल ली है और ये बात कंफर्म है कि लगभग 1 महीने तक ये फिल्म लगी रहेगी सिनेमाघरों में और लोग लगातार जाएंगे इस फिल्म को देखने के लिए। तो किस किस ने इस फिल्म को देख लिया है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि फिल्म आपको कैसी लगी और कौन कौन एक बार फिर से दूसरी बार इस फिल्म को देखने वाला है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपके हिसाब से कौन सी फिल्म किस पर भारी होती नज़र आ रही है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय दीजिएगा। और भोजपुरी की सभी तरह खबरें जुड़ने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस लाल रंग की बटन को दबाकर बिल्कुल फ्री में। धन्यवाद।